क्या नाम है बाबू? आर्यन नाम है आपको? बढ़िया। मम्मी पापा कहाँ हैं भैया? दीपांशी। मम्मी पापा कौन से कोच में हैं? मम्मी पापा घर छोड़ के आए। बाप रे। एक मिनट उतना रखती हूँ। कहाँ पे छोड़ के आ गए? क्यों छोड़ के आए आप घर? क्या हुआ है? कुछ बात है? मम्मी पापा मारते हैं आपको? इसलिए आप घर छोड़ के आ गए और मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे बेटा। कहाँ से आए? और हम लोग क्या सोच रहे हैं पता है? एक वहाँ पे मेल बैठे हुए थे, हम लोग सोच ये रहे थे उन्हीं के हो सकते हैं। मैं सोचा अब चलो बच्चे हैं तो चलो थोड़ी देर देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ये देखो आप लोग घर छोड़ के आ गए हो। आप लोग दोनों कहाँ से बैठे हो? आप लोग ये बताओ, उसके फेस पे पूरे निशान पड़ रखे हैं। बच्चे के पूरे मुंह पे निशान पड़ रखे हैं। बाबू कहाँ से बैठे हो आप लोग? कोई बात नहीं, घबराओ मत, कोई बात नहीं, बैठो। एक मिनट सब लोग भीड़ मत लगाओ, मम्मी थोड़ा पीछे। आप लोग कहाँ से बैठे थे? आपकी ना हेल्प करेंगे, आप उनको सब कुछ सक्सेस बताएंगे ना तो आपको मम्मी पापा के पास नहीं भेजेंगे, ठीक है? आपको बहुत अच्छी तरह पे भेजेंगे। चलो बताओ क्या हो बेटा। आप बैठो, पहले इधर आओ, यहाँ पे बैठो, इधर सक्सेस बैठो, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। ओह माय गॉड, देखो यार कौन सा आ रहा है, किसी को फोन करेंगे। अगले में से आ रहे हैं कोई? अच्छा, आप हम बोलने में नहीं तो अगले स्टेशन को। अगले स्टेशन पे ठीक है, जैसा यू पी बच्चे हैं ना तो उसके लिए बहुत हमसे ज़्यादा तो मतलब फिर भी लगता है। चलिए ठीक, फ्रूटी पी लो, ये वाला लेना है, ये वाला ये देखो बाबू इसी में क्या पी लो। अच्छा पी लो, लो आ गए आ गए आ गए। देखिए हाँ थोड़ा सा साइड हो जी, आप लोग वहाँ भी हो जी, आपको दे दिए ये दे दीजिए पैसा। दूध नहीं 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 आपको लेके नहीं जाएंगे, लेके नहीं आएंगे, हमारे स्टाफ के लोग हैं, ये मिलने आए हम, मेरे फ्रेंड है, नहीं ले जाएंगे। इधर आ, मेरे पास आओ। एकदम डरे हुए बच्चे पूरे, पूरा मतलब बदन पे पूरा दौर दौर देना पड़ेगा ना। हाँ वो तो करना तो पड़ेगा, कुछ तो थोड़ा सा कठोर तो बनना पड़ेगा ना। इधर बैठो मेरे पास, मेरे पास नहीं, प्लीज बच्चे डर रहे हैं, प्लीज भीड़ मत करिए ना। आप लोग भी चले जाइए, बैठ जाइए, नहीं सर बच्चों वाली बात है ना, अच्छा है नहीं लगता। हाँ चलेगा, अपने मामा के यहाँ चले जाइए। नहीं तो ऐसा रिश्ता बताइए कि जहाँ वहाँ ठीक रहेगा। मम्मी हाथ पर बांध के चौकी नीचे जिता रखते हैं, पेड़ में बांध के मांगते हैं। और जो जो आपको मांगते हैं आपके घर और में या रिश्तेदार में, अरे सब रिश्तेदार के लोग तो ऐसे नहीं होंगे ना बेटा, कोई होंगे मामा नाना सब। बताइए अभी कौन कर रहा है? तुम कहाँ चले जाओगे? वहाँ सुरक्षित हो जाओ, उन लोगों से दूर रहोगे ना। कहाँ पे कहाँ है ये बताओ? सभी बच्चों को माँ बाप मारते हैं, इनका भाग जाए सभी बच्चे, ये अच्छी बात है? स्कूल में यही पढ़ाया जाता है ठीक है ना, ही भागना चाहिए तो? लेकिन एक दो दिन एक दो महीने पे वो तुमको प्यार करते, वो तुमको खाना खिलाते, वो तुमको मार सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे माँ बाप भी हमको मारे, उनके सबके माँ बाप सबको मारे, कोई कहते नहीं मारे, हमारे हमारे हम लोग ऐसा मारते हैं ना खा पाते, सबको ऐसा मारते हैं। हम लोग भी चिमटा चिमटा मारते, पिताजी भी वहाँ रहते हैं, दिल्ला से चिमटा सब लोग भी मारते हैं, क्या करें घर छोड़ खा। और भी बच्चे हैं मार खाते, ये अच्छे लोग आपको मिले हैं इसलिए तुमको लग रहा है सभी अच्छे हैं। बेटा सब परेशान हो रहे, प्लीज बता दो, सब परेशान हो रहे। देखो पुलिस वाले अंकल सब कितने हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और आपको पता है ना कि कहीं भी प्रॉब्लम होती है सारे पुलिस वाले अंकल मिलके सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, हर जगह पे कहीं भी दिक्कत होती आते हैं ना। कहाँ ट्रेन में? ऐसा करता हूँ सर, इसको मैं लेके जाता हूँ और लेके चला जाता हूँ, इसको जाने दीजिए जहाँ, और इसको मैं अपने साथ रख लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि छोटे बच्चे का भविष्य तो बर्बाद तो करने दूंगा नहीं आपको, है ना। चलिए, और मैं इसको YouTube का वीडियो बनाने के लिए इसको रख लेता हूँ। चलो तुम मेरे साथ, चलिए आज ही एड्रेस नहीं बताओगे तो लेके जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाया था ना YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, है ना, तो चलो आप हम और आप बनाएंगे, तो नहीं बनाओगे तो आपको फिर तो बता दो फिर। इसको लेकर आगे जाएंगे,
तो आप देख लो क्या करना है, अगर बता दोगे तो नहीं ले जाएंगे, दोनों को साथ रखेंगे, नहीं बताओगे तो मैं इसको लेके चला जाऊंगा, क्योंकि आप तो समझदार हो लेकिन ये समझदार नहीं है, इसकी भविष्य खराब नहीं करूंगा मैं। तुम कहीं जाओगे लेकिन इसको नहीं जाने देंगे हम लोग, वो तो करना पड़ेगा ना, आप बड़े हो आप छोटे हो ना, हम बड़े हैं हम इसके साथ कर सकते हैं, हम रख सकते हैं इसको। तो फिर आप अपना एड्रेस बताओ कहाँ से आप आए हो। हाँ एक बार मास्क उतार लो, एक बार मास्क उतार लो, बोलो। तुम बोलो पड़ता है, एक मिनट रुको रुको देखते हैं, देखते बता दोगे तो ये देखो। देखिए डिस्ट्रिक्ट जैसे विलेज खाजे गरवा आ रहे हैं तो गांव का नाम है खाजे गरवा, और पोस्ट पर रहा है पिपरा रामधर। पिपरा रामधर बेटा, पिपरा रामधर है, पिपरा रामधर ये वाली है ना, रोड सलेमपुर। देखिए मुसाई बताई गई है यार, इतना कुछ पता है फिर बता, पापा का नंबर याद नहीं है किसी का भूल है। चलिए नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। जैन सर नहीं जाते बाबू। सर कांस्टेबल विनोद बोल रहा हूँ सर, जीआरपी चार बाग लखनऊ से सर। गोरखपुर से हम ट्रेन लेके सप्त क्रांति जा रहे हैं लखनऊ के लिए, इसमें दो बच्चे हैं जो घर से भागे हैं, एक बच्चा 7 साल का है और एक ये हैं सर खाजे गढ़वा, माता का नाम अनीता सिंह और हरी राम सिंह। रियल में यार ऐसा कभी मतलब पूरी लाइफ में जो है ना ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कोई बच्चा को मैं लाइन में ट्रेन में देखा हूँ भागे यार, अच्छे खासे सो रहे थे हमें पता ही नहीं था क्या था, बाद में पता चल रहा है ये दोनों बच्चे घर छोड़ के भागे हुए तब से यार। चलिए देखिए बाकी आरटीएफ के जवान सब हैं, 3-4 जवान आए हुए हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरीके से कि बच्चा जो अपने घर तक पहुँचे, पूरी कोशिश की जा रही है, बाकी आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। बच्चे सर में कभी बुरे नहीं हो सकते, बच्चे हमेशा न्यूट्रल होते हैं, जैसा ज्ञान आप दोगे बच्चे को, जैसा दिखाओगे बच्चे वैसा बन जाएंगे उस माहौल में। आज ये इस उम्र में जो आज कदम उठा लिए है, आज हम 30 साल की उम्र में ये कदम नहीं उठा सकते, हिम्मत नहीं है, जिगर में दम नहीं है, तो बच्चे के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी तो बच्चे ने कदम उठा, तो माहौल के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। फोर्थ क्लास में पढ़ती है। चलिए सर में काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन हुआ है ना बातों, और अभी बच्चों का जा रहे हैं डिनर कराने के लिए, आगे की कहानी आपको बताता हूँ। सो फाइनली बच्चे बहुत से गए। अच्छा अच्छा देखो वहाँ से कितना अच्छा भी है, गर्मी भी नहीं लगेगी यहाँ पे, कितना ठंडा चल रहा है। चलिए ठीक है, ओके सर। सर तो पहले आ गए थे। नहीं दोनों खा चले के तब लोग आ जाएंगे। कोई बात नहीं, चलिए बाकी आप तो खुद ही क्या बोल रहे थे। ठीक है ओके सर। चलिए अपने चलते हैं हम अपने सीट पे, और मैं बाकी कहानी आपसे अभी ही देखता हूँ करता हूँ या फिर कल मॉर्निंग में करता हूँ, क्योंकि अभी ट्रेन जो है चल भी रही है तो सर आवाज़ जो है उतनी प्रॉपर क्लियर नहीं आ पाएगी आपको। ठीक है तो अपने सीट पर चल के फिर मैं बात करता हूँ। तो ये लास्ट में ये मैं क्लिप ये ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि यार एक्चुअली क्या होता है कि हम अभी जितने बड़े हो चुके हैं, आज की जो जनरेशन है ना वो जनरेशन नहीं रहेगी कि आप जिस हिसाब से हमारी लाइफ हम जैसे छोटे से बड़े होते चले गए उस हिसाब से आज के बच्चों को भी आप छोटे से बड़े हो तो करो, है ना। पहले हम चाटा छापड़ खा करके बहुत चीज़ कर लेते थे, पैसेंस हो जाते, लेकिन आज के डेट में आज के बच्चों में उतनी ज़्यादा गर्स उतनी ज़्यादा पेशेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि, तो फिर ऐसे करके अगर आप करते हो तो आपका बच्चा जो उनका फ्यूचर जो है ख़राब हो जाता है। सो कोई भी अगर आप हो, कोई भी अपने बच्चों को इस तरीके से अगर आप मारते हो तो गलत है मारना, आप उसको समझाओ और प्यार करो यार। बहुत लोगों को आप देखते होंगे वो कहाँ कहाँ दुआएं मांगते हैं, कहाँ कहाँ मन्नतें मांगते हैं, फिर भी उसको बच्चे नहीं होते हैं, और जब आपके पास में है तो आप अपने बच्चों को इस हिसाब से पीटते हैं, गलत है ना।
और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये वीडियो जो है उनके पेरेंट्स या फिर वो दोनों बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि भैया मेरे चैनल पर अभी उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, ज़्यादा नहीं 10,000-12,000 के आसपास सब्सक्राइबर, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ बहुत जगह तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जनता जनार्दन है, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर आपको लगे कि ये वीडियो सराहनीय है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपनी राय अपनी कमेंट वीडियो में ज़रूर बताइए, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें आपकी राय पता चले कि आप क्या सोचते हो, क्या बच्चे ने सही कदम उठाया या फिर नहीं, है ना, या पेरेंट्स के बारे में। खैर चलिए कोई बात नहीं, अब बस मैं यही उम्मीद करता हूँ, भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ, अब बच्चे अपने घर पहुँचे तो वो बच्चे को कोई भी तकलीफ़ उनके घर पे ना हो, उनके मम्मी पापा उनसे बहुत प्यार करें। और मैं ये कह सकता हूँ, बच्चे जिस हिसाब से बोल रहे थे, जिस हिसाब से बात कर रहे थे, मतलब अगर इसको अच्छी एजुकेशन, अगर अच्छा इन्वायरमेंट अगर मिले, तो ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है, है ना। तो बच्चे यार न्यूट्रल होते हैं, आप उसको जिस हिसाब से सींचोगे वैसा मिलेगा आपको आउटपुट, वैसा उसका फ्यूचर उस हिसाब से होगा, है ना। तो अब क्या बोलूँ, बोलने के तो बहुत सारे शब्द हैं, तो ऐसे अभी मैं GoPro पे टाइम देख रहा हूँ तो 7-8 मिनट की रिकॉर्डिंग ये हो चुकी है, प्लस 8 मिनट वो मैं फ़िलहाल इसको कट कर दूंगा बीच में से कुछ अगर ऐसा लगा तो। चलिए अब क्या बोलूँ, बोलने के बहुत सारे शब्द हैं, है ना। चलिए ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लोग देख पाए और ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिल पाए कि नहीं यार अपने बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए ये घटना तो हो चुकी है, लेकिन जब ये वीडियो को कोई और पेरेंट्स जब देखेंगे तो फ्यूचर में वो अपने बच्चों के साथ में कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, और शपथ क्रांति का जो वीडियो है फुल वीडियो आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा, तो चैनल पर आप बने रहिएगा और शपथ क्रांति का फुल वीडियो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।